नमस्कार। आज हम आपको कारक और विभक्ति के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा आप और भी संस्कृत के वाक्य बना सकते हैं। करने वाले को कारक कहते हैं, जैसे इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, राम संस्कृत पढ़ता है, तो इसमें जो राम है वो करने वाला हो गया, तो वो राम कारक हो गया। अब है विभक्ति। विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो कारक को बताने के लिए किया जाता है। संस्कृत भाषा में विभक्ति जो है वो शब्दों के साथ में जुड़ी रहती है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में वो अलग होती है। जैसे इस उदाहरण से आप विभक्ति समझ सकते हैं, जैसे ये शब्द है रामाय, ये संस्कृत का शब्द है एक, लेकिन जो हम उसको हिंदी करेंगे, उसका जब हम अनुवाद कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा राम के लिए। और इसी तरीके से है वनेषु, मतलब वनों में। हिंदी में ये अलग अलग हो गया, लेकिन संस्कृत में ये एक ही वर्ड है। पहले हमने आपको धातु रूप बताए थे, जिनके द्वारा आप संस्कृत के वाक्य बना सकते हैं छोटे छोटे। आज हम आपको शब्द रूप बताएंगे। तो शब्द रूप कुछ ऐसे होते हैं जो समान रूप से चलते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले राम के रूप बताएंगे। ये राम के रूप हैं जो कि शब्द रूप कहलाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य राम्यो रामाणाम, रामे राम्यो रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामा। इन रूपों का प्रयोग जब हम संस्कृत के वाक्य बनाते हैं तो उसमें उनका प्रयोग किया जाता है। राम के अनुसार ही और भी बहुत सारे शब्द हैं जो राम के अनुसार चलते हैं। इनके रूप छात्र, बालक, नर, सूर्य, ईश्वर, सिंह, ये शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इसके अलावा हम स्त्रीलिंग के रूप भी आगे सीखेंगे, वो इनसे अलग चलते हैं। जैसे नदी है, सविता है, कवि है, ऋषि है, जिसमें ई की मात्रा आती है, उसके रूप इनसे अलग चलते हैं। ये कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और ये विभक्ति हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और ये इनकी पहचान है, इनके द्वारा हम संस्कृत के वाक्य बना सकते हैं। राम ने पाठ पढ़ा, इस वाक्य में राम कर्ता है और इसकी संस्कृत बनेगा एक वचन रामः। हमने जो कर्म किया है वो है पाठ, पाठ हो गया हमारा कर्म द्वितीया, पाठ तो हो गया पाठम, पाठ को पढ़ा, कर्म हो गया द्वितीया, पाठ को पढ़ा ए पठत, रामे पाठम ए पठत। कारक द्वारा, विभक्ति द्वारा और ई शब्द रूप द्वारा हमारा ये वाक्य बन गया। अब हम समझेंगे कर्म, जो तृतीया विभक्ति है। देव कलम से लिखता है। अब देव क्या है, जैसे राम है एक वचन, ऐसे ही देव है एक वचन, तो यहाँ पर आ जाएगा देवः। जैसे यहाँ पे रामः है, यहाँ पे आ जाएगा देवः। कलम से, करण तृतीया में से आता है और या द्वारा आता है, तो कलम से, तो ये हो जाएगा कलमेन। कलमेन लिखना, लिखती। देव कलम से लिखता है, देव है कलमेन लिखती। अब हमारा संप्रदान है चतुर्थी विभक्ति, इसमें को और के लिए, ये इसकी पहचान है। अब ये है वाक्य, मैं भोजन के लिए घर जाता हूँ। मैं मतलब अहम, भोजन के लिए घर जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में रामाय आया है, ऐसे यहाँ पे भोजन के लिए भोजनाय। अब घर जाता हूँ, घर को जाता हूँ, को मतलब कर्म, को इसमें आ गया ग्रहम, घर को जाता हूँ। अब गच्छामि आया अहम के साथ, इससे पहले हमने सीखा था गच्छ के रूप, उसमें अहम के साथ में आमि आया, तो गच्छामि। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अब ये वृक्ष से अपादान है हमारा, मतलब अलग होने के अर्थ में ये इसकी पहचान है। अब जैसे इसमें आता है रामात, इसी तरह इसमें वृक्ष की जो संस्कृत बनेगी वो बनेगी वृक्षात।
पत्राणी मतलब पत्ते, एक पत्ता पत्र मतलब पत्ता, और जब बहुत सारे पत्ते हो तो पत्राणी, गिरते हैं पतंती। तो हमारी संस्कृत बन गई वृक्षा पत्राणी पतंती, ये होगी हमारी अपादान। राम का मित्र जाता है, ये है संबंध षष्ठी, इसमें का के ही रा रे री ये छुपे हुए होते हैं, जैसे है राम का। अब इसमें हम षष्ठी देखेंगे तो षष्ठी में हमारा आता है रामस्य मतलब राम का। अब मित्र जाता है, मित्रम ये संस्कृत में बन गया मित्रम, जाता है गच्छति, क्योंकि एक राम, राम एक है, एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे गच्छति आएगा। तो राम का मित्र जाता है, रामस्य मित्रम गच्छति, ये हमारा संबंध है षष्ठी। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, ये है हमारा सप्तमी अधिकरण, इसमें की पहचान है में पर, ये इसमें छुपा है विद्यालय में। अब इसमें राम के रूप हम देखेंगे तो इसमें आता है रामे सप्तमी में, तो यहाँ पे विद्यालय का हो गया विद्यालय। अब छात्र पढ़ते हैं, छात्र बहुत सारे छात्र हैं, इसमें हो गया छात्रा, एक छात्र होता तो होता छात्र है। अब पढ़ते हैं तो पठ धातु के रूप हमने सीखे थे, तो जहाँ बहुत सारे आते हैं वहाँ हो गया पठंती, विद्यालय छात्रा पठंती, ये हमारा अधिकरण हो गया सप्तमी। हे मित्र तुम कहाँ जाते हो, अब ये संबोधन जो है इसकी पहचान है, जहाँ पर हे अरे इस तरह के शब्द आते हैं तो वो संबोधन का वाक्य होता है। हे मित्र तुम कहाँ जाते हो, तो हे मित्र त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम और गच्छ के हिसाब से गच्छसि ये रूप हमने पहले सीखे थे, तो त्वम के साथ में गच्छसि आएगा, ये इसकी पहचान है हे मित्र। आज हमने आपको कारक विभक्ति और शब्द रूप द्वारा संस्कृत के वाक्य बनाने सिखाए हैं। आगे की वीडियो में हम आपको वार्तालाप करना सिखाएंगे आपस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।